सहबरा क्षेत्र से बुधवार देर रात माता पिता के बीच से संदिग्ध हालत में गायब 2 वर्षीय हिमांशी की शुक्रवार शाम घर से 1.5 किलोमीटर दूर रांचनखेड़ा के पास एक खेत के किनारे झाड़ियों में लाश मिली। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया गला घोटकर हत्या होना प्रतीत हो रहा है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने मामले में 4 संदेहियों को चिन्हित करते हुए 3 को हिरासत में ले लिया है। SFL फिंगरप्रिंट और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले की जाँच करने के लिए SIT गठित की है। पुलिस के अनुसार शाम 4:30 बजे खेड़ा गांव की महिलाएं लकड़ी बीनने निकली थी, तभी उनकी नजर शव पर पड़ी। गांव के लोग जमा हो गए और शव मिलने की खबर पाकर मौके पर मासूम के माता पिता पहुंचे। विधानसभा के अंतर्गत शैपुरा बटोनी थाने के अंतर्गत बड़ी हृदय विदारक दुखित घटना हुई। एक दलित परिवार की बच्ची, 2 वर्ष की बच्ची, जिसका कल अपहरण हो गया था और आज उसकी लाश उस गाँव में मिली है। मामा के राज में भांजी सुरक्षित नहीं है, दलित परिवार सुरक्षित नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन जब से आया है पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर जबलपुर में, माफिया बेलगाम हो गए हैं। पुलिस सिर्फ अवैध वसूली में संलग्न है, जुआ सट्टा शराब अवैध खनन में पुलिस को टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं मांग करता हूं कि तत्काल वहां के SDOP और थाना प्रभारी को तत्काल हटाया जाना चाहिए।